हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। जब एक पक्ष दूसरे पक्ष को नीतिगत या गैर नीतिगत तरीके से चोट पहुंचाने का प्रयास करता है तो जो स्थिति उत्पन्न होती है उसे द्वंद कहते हैं। द्वंद वो घातक अवस्था है जो बड़े से बड़े अनर्थ का कारण बन सकती है, और आज का एक केस उस हकीकत को बयां करता है जो द्वंद के ऐसे ही अनर्थों का कारण बनी थी। सब रेडी है? एक मिनट मैम। और जी सुपारी। मीडिया वालों को भी खिलाओ सुपारी, जबान काबू में रहती है। अटल सिंह जी, समझ लीजिए हम अपने चैनल के लिए आपकी ड्यूटी कर रहे हैं, हमारी जबान आपकी शान में ही बोलेगी। और रिपोर्टर, जब आप जितनी खूबसूरत हो तो लोग सुनते कम देखते ज्यादा है। हमारा तो सुझाव ये रहेगा कि बाबूजी के प्रोफाइल में आप जितना कम दिखे उतना अच्छा। जैसा कि हम सब जानते हैं, अटल सिंह जी उत्तर प्रदेश के एक जाने माने बिजनेसमैन हैं। इनके फूड प्रोसेसिंग प्लांट्स ने गांव के कई बेरोजगारों को रोजगार दिया है। आज हम अटल सिंह जी और उनके परिवार के साथ उनके अनुभवों, उनकी पारिवारिक जिंदगी और रिश्तों से आपका परिचय करवाएंगे। तो अटल सिंह जी, सबसे पहले ये बताइए, आपकी सफलताओं के राज क्या है? हम तो अपने आप को सफल नहीं मानते, हम आज भी बेहतर कल के लिए संघर्ष कर रहे हैं। कैसा कल चाहते हैं आप? वैसा कल जहां इस क्षेत्र का हर व्यक्ति गर्व से कह सके कि वो सफल है। 18 साल पहले हम इस गांव के पंच प्रमुख थे, तभी से हमारे विचार इसी ओर अग्रसर हैं। और राजनीति में आने का उद्देश्य हमारा यही नहीं है, बल्कि वो उम्मीदें जो आम आदमी अपने पूर्व विधायकों से कर रहा था, वो विधायक उस पर खड़े नहीं उतरे। मतलब आप वो कर दिखाना चाहते हैं जो अभी तक इस क्षेत्र का कोई भी विधायक नहीं कर पाया। जी दीदी, आपको डायबिटीज है ना? मिश्री छोड़िए, गिरारी उठा लीजिए। बड़े किस्मत वाले हैं हम, जो आपकी जैसी भाभी मिली है। हमारी एक सलाह मान लो, तुम भी मीठा चखना छोड़ दो, बहुत ही रसीली हो गई हो। ये है अटल सिंह जी के छोटे बेटे वीर प्रताप सिंह। वीर जी, आप कुछ कहना चाहेंगे अपने पिता के लिए? ये हमारी शुभकामनाएं हैं पिताजी के साथ, वो बीते 18 सालों का हिसाब जरूर चुकाएंगे, जैसा कि उन्होंने अभी कहा। और ये है अटल जी की बड़ी बहू ऋचा सिंह। ऋचा जी, एक निजी सवाल, आपकी खूबसूरती का राज क्या है? जी वो तो आपको हमारे पतिदेव से पूछना चाहिए। आप खूबसूरत तो है लेकिन लगती गांव की है। वैसे आपको देखकर विश्वास नहीं होता कि आपने गुडविन कॉलेज दिल्ली से अपनी ग्रेजुएशन की है। राज क्या है उन डिग्रीज का? करेक्शन, आई एम नॉट ग्रेजुएट, आई होल्ड एन एमए डिग्री इन पॉलिटिकल साइंस। और यह है अटल जी की इकलौती बेटी मृदुला सिंह। मृदुला जी, अपने पति के स्वर्गवास के बाद आप अपने पिता के घर ही रह रही है, तो कैसा लगता है यहाँ? एक बेसहारा को अगर सहारा मिल जाए और वो भी अपनों से, तो हर दुख सुख में बदल जाता है। और ये है अटल जी के बड़े बेटे, उनके उत्तराधिकारी केदार सिंह। केदार जी, क्या लगता है आपको, आपके पिता की इस चुनाव में जीत होगी? निश्चित जीत होगी, बाबूजी ने कभी हारना नहीं सीखा। यह है मेरा वारिस सूरज और ये पोती स्वाति। कहा कहती हो, बढ़िया है ना भाषण? ये बढ़िया तो है बाबूजी, लेकिन शुरुआत इतनी प्रभावशाली नहीं है। शुरुआत की दो चार लाइनें ना थोड़ी जमानी पड़ेगी। तो सोच कर रही हो, लिख दो कुछ बढ़िया सा, जमाए तो अच्छा सा, कुछ अच्छे से लिख दो कुछ। भैया जी, मेरे विचार से एक बार मृदुला बिटिया को भी पढ़ा देते। क्यों चाचा जी, हम पर भरोसा नहीं है क्या? ऐसी कोई बात नहीं, तुम पर तो पूरा भरोसा है। हमने राजनीतिक विज्ञान में एमए किया है, राजनीति अच्छे से समझते हैं, पब्लिक स्पीकिंग कैसी होनी चाहिए ये मृदुला दीदी से ज्यादा जानते हैं, बाकी आप लोग जैसा ठीक समझे। अरे नहीं नहीं, लिखो तुम ही। वाह, आजा आजा, आते हैं हम अभी। बाबूजी को तो बड़ी बढ़िया तरीके से पढ़ा लेती हो तुम, लेकिन राजनीतिक विज्ञान के साथ साथ अपने पति को बस में रखने का ज्ञान भी सीख लेती ना, तो आज बेचारे बड़के भैया दूसरी औरतों का जूता नहीं पड़ने में व्यस्त होते। ननद जी, हम वो पत्नी नहीं ना जो पति को खूंटे से बांध के रखे, खुला छोड़ दिया है ताकि वो अपना बिजनेस संभाल सके, और जो नजर लगाए बैठे हैं उनकी दाल ना गले। जो दाल तुम पका रही हो ना, वो भी हम गलने नहीं देंगे।
अगर हम कॉल ना करते ना तो तुम हमसे मिलने भी नहीं आते। वैसे सब ना सही कहते कि ठाकुरों से बच के ही रहना चाहिए, पता नहीं कब पलटी मार दे। हम उन पलटने वालों में से नहीं है, एक बार लंदन से अपनी पढ़ाई पूरी करके आ जाए फिर बनाएंगे तुम्हें अपनी बीवी। लंदन जाकर हमें भूल तो नहीं जाओगे ना? ए, तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो? नमस्ते दीदी जी, आप यहाँ? हम तो बस ये देखने आए थे कि तुम कितनी सुंदर हो। जी हम कुछ समझे नहीं। कोई बात नहीं, जल्दी ही समझा देंगे। अच्छा दीदी अब हम चलते हैं। अनीता और वीर के रिश्ते का राज जानने वाली ऋचा अटल सिंह के परिवार की पहली और इकलौती सदस्य थी, और अब अनीता की जिंदगी एक ऐसे षड्यंत्र की भेंट चढ़ने वाली थी जिसका फायदा उठाकर ऋचा वो सब करने वाली थी जिसकी उसने हमेशा से चाह की थी। अटल सिंह के परिवार में सिर्फ ऋचा ही नहीं बल्कि और भी कई मौका परस्त लोग थे जिनकी हकीकत परत दर परत सामने आने वाली थी, लेकिन इस परिवार के सदस्यों की अंदरूनी राजनीति इस परिवार की नींव को अंदर ही अंदर खोखला कर रही थी, जिसका फायदा उठाकर कोई भी इस परिवार में फूट पैदा करके इस परिवार को नुकसान पहुंचाने की योजना बना सकता था। वाणी तुम यहाँ? तुम तो हमसे मिलने आते नहीं, तो सोचा हम ही तुमसे मिलने आ जाए। वाणी यहाँ कैसे? वीर की याद खींच नहीं या हमसे मिलने आई हो? भाभी दोनों ही बातें हैं। वैसे भी आज जो सरप्राइज लेकर हम आए हैं ना वो आप सबके लिए है। कैसा सरप्राइज? वो सरप्राइज तो पापा ही बताएंगे। भाई साहब अब तो आप भी हमारे बिरादर के हो गए। व्यापार में तो आप हमसे एक कदम पहले से आगे थे, अब तो राजनीति में भी आपने हमारा स्थान ले लिया। खाई लीजिए ना। क्या बात कर रहे हो शैलेश सिंह, पार्टी वाले आए थे हमारे पास, बोले पार्टी ज्वाइन कर लो टिकट दे देंगे। हम समझाए उन्हें हमारा दोस्त यहाँ से खड़ा है, यहाँ से पार्टी का प्रत्याशी है, तो बोले आप पार्टी ज्वाइन करो ना करो टिकट तो हम शैलेश सिंह को नहीं देंगे। टिकट तो अपने घर में ही रहा ना। कूटनीतिक जवाब। हम कोई कूटनीतिक बात नहीं कर रहे। देखिए असल में हम आए हैं आपको संधि बनाने के लिए। संधि? हाँ, हमने सोचा कि वीर और वाणी की शादी कर देते हैं, दोनों बचपन से एक दूसरे को जानते हैं, साथ पढ़े हैं। लेकिन केदार से पहली बात हो चुकी है, इसने हरी झंडी दिखाई है तो हम शगुन लेके आ गए। केदार ने तो हमें इस बारे में कुछ कहा ही नहीं। अब इसमें बताने जैसा क्या है बाबूजी, वीर और वाणी एक दूसरे से प्यार करते हैं तो। लेकिन भैया हमें रिश्ता मंजूर नहीं है। वाणी देखो बुरा मत मानो, दरअसल वीर अभी शादी के लिए तैयार नहीं है। हमारा मतलब है कि वो अभी लंदन जाके पढ़ाई करना चाहता है। अगर इतनी सी बात है तो इसके लंदन जाने से पहले सगाई कर लेते हैं, लंदन से लौटने के बाद शादी कर लेंगे। आप समझ नहीं रहे, हम नहीं कर सकते शादी। पर क्यों वीर? यानी क्योंकि हम तुमसे प्यार नहीं करते। पापा चलिए यहाँ से, बहुत इंसल्ट हो गई। केदार जो हमारा तमाशा बनाने के लिए बुलाया था यहाँ पर, ये बात हम बोलेंगे नहीं, जिंदगी भर याद रखेंगे इस अपमान को। इस वक्त क्यों फोन किया? मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। बोलो। फोन पे नहीं बता सकती, तुम अभी के अभी गेस्ट हाउस आ जाओ प्लीज।
इतना बन ठन के कहाँ जा रहे हैं, वो भी इस वक्त? एक क्लाइंट के पास। और रखेल को क्लाइंट कब से बुलाने लग गए? जब सब पता है तो पूछ क्यों रही है? पूछे बिना रहा नहीं जाता, बीवी हूँ ना। तुम दुनिया की पहली बीवी नहीं जिसकी सौत ना हो। लेकिन जो बाकी बीवियां सहती हैं हम वो नहीं सहेंगे। हमें खूंटे से बांधने की कोशिश की तो खूंटा हम भी बांध देंगे तुम्हारे लिए। कितनी बार बोले तुमसे, 9981 होता है, 18 नहीं होता है। लिखे उसके पर्चे। सूरज, स्वाति, तुम लोग अभी तक यहाँ पे हो? चलो चलो उठो, चलो जल्दी, सोने का टाइम हो गया। चमेली इनको लेकर जाओ, जल्दी सुला देना। हाँ जल्दी। भाभी भैया ने यहाँ पे फिर से हाथ उठा? हम जानते हैं वीर, तुम्हें हमारी बहुत फिक्र है। हमें सिर्फ आपके लिए बुरा लग रहा है भाभी। बुरा इसलिए लग रहा है क्योंकि तुम अभी भी हमसे प्यार करते हो। भाभी भाभी नहीं, सिर्फ रिचा। क्यों वीर, ये पहली बार तो नहीं है। हमसे जो हुआ वो भूल थी। भूल नहीं, प्यार था। लेकिन हम वो गलती दोबारा नहीं दोहरा सकते भाभी, इसलिए उस रात जो कुछ भी हुआ हमारे बीच वो आप ही भूल जाइए। कल शाम से ही हम इसके लिए परेशान थे। कल शाम से लापता थी, कहाँ गई थी? ये अपनी सहेलियों के साथ निकली थी। भाभी हमने कल आपसे कहा था ना कि हमारे बीच हम वो नहीं करने आए जो तुम सोच रहे हो। तुम्हारी गांव वाली गर्लफ्रेंड की हत्या कर दी है किसी ने। झूठ बोल रहे? हम झूठ नहीं बोल रहे, जो देख कर आए हैं वो बता रहे हैं तुम्हें। ये सच नहीं हो सकता। तुम समझ नहीं रहे हो, अगर तुम वहां गए तो पुलिस तुम पर शक करने लगेगी। क्यों करेगी मुझ पर शक, जब मैंने कुछ किया ही नहीं है तो? देखो चुनाव आने वाले हैं, पुलिस और गांव वालों को भनक तक लग गई ना कि जिस लड़की की लाश मिली है उसके बॉयफ्रेंड तुम थे, बहुत गड़बड़ हो जाएगी। लेकिन हमारे संबंध का चुनाव से क्या लेना देना? लेना देना है। अपने आप को हम समझ सकते हैं तुम्हारा दर्द, बहुत तकलीफ होती है जब हमें प्यार करने वाला हमारा साथ छोड़ देता। तुमने आखिरी बार अनीता को कब देखा था? शाम को हम थे उसके साथ। साहब ठाकुर साहब के बंगले से रोज उससे कोई मिलने आता था। कौन आता था ये हमें नहीं पता साहब, लेकिन हाँ कल एक बड़ी गाड़ी में कोई उससे मिलने आया था। अच्छा तुम दोनों जाओ, हमें आने में लेट हो जाएगा। ठीक है। उससे मिलने आया था उसका चेहरा देखा था तुमने? नहीं साहब, हम उसका चेहरा नहीं देखे। गाड़ी के बारे में कुछ बता सकती हो? हाँ साहब, एक सफेद रंग की बड़ी सी गाड़ी थी। वाह बात है दरोगा, कैसे आना हुआ? ठाकुर साहब गांव में एक लड़की की हत्या हुई है, उसी सिलसिले में कुछ पूछताछ करनी। इसकी हत्या और कैसे पूछता? दरअसल जिस लड़की का मर्डर हुआ है वो आखिरी बार इस बंगले की गाड़ी में खेत में देखी गई। हम देखे थे तुम्हें रिश्वत लेते हुए, मानोगे? बाबूजी शांत हो जाइए,
नमस्ते, माफ कीजिएगा बाबूजी को गुस्सा जरा जल्दी आता है। आप लोगों को जो सवाल पूछना हमसे पूछ सकते हैं। देखिए, गांव की एक लड़की की हत्या हुई है, उसे आखिरी बार इस बंगले की गाड़ी में खेत में देखा गया, तो हमें ये जानना है कि हमारे घर में 7-8 गाड़ियां हैं, 7-8 ड्राइवर हैं और कुछ नौकर चाकर हैं। अब मालिक लोग खेत में तो जाएंगे नहीं किसी लड़की से मिलने, तो कोई ड्राइवर ही होगा गाड़ी लेके गया होगा। आप ठहरिए, हम सबको बुलवा के लाते हैं। बिट्टू, कल तुम में से कौन गाड़ी लेके खेत में गया था? मैं नहीं गया था। सर, अनीता के सहेलियों ने जिस गाड़ी के बारे में बताया था, ये गाड़ी उससे मिलती जुलती है। ये गाड़ी कौन चलाता? नाम क्या तुम्हारा? बिट्टू। ये गाड़ी तुम चलाते हो? नहीं साहब, हम तो मृदुला मैडम के ड्राइवर हैं, ये वाली कार चलाते हैं। फिर ये गाड़ी कौन चलाता? वो साहब कोई नहीं चलाता, वो ऐसे ही खड़ी रहती है। खड़ी रहती है तो फिर खेत में कैसे पहुंचे? मालूम नहीं साहब। सर, सबको बहुत पढ़ा के पूछताछ के लिए सामने किया है, गाड़ी जब यहीं खड़ी रहती है तो टायरों पे ताजी मिट्टी कैसे? ये कांड किसी ड्राइवर का नहीं है मिश्रा, किसी फैमिली मेंबर का है, और ये पता करने के लिए कोई और ही जुगाड़ लगाना पड़ेगा। सर, ये बिट्टू अटल सिंह की बेटी मृदुला का ड्राइवर, आपसे कुछ करना चाहता है। सर बोलो। साहब दरअसल बात ये है कि हम आपको सच इसलिए नहीं बताएं कि अगर हम कुछ बोलते तो मालिक हमारी चमड़ी उधड़वा देते। साहब डरो मत, बैठो, जो कुछ जानते हो साफ साफ बताओ। साहब आप जिस गाड़ी के बारे में बात कर रहे थे, दरअसल मालिक के बड़े बेटे केदार सिंह खुद ही चलाते हैं, वो किसी को छूने तक नहीं देते। साहब केदार सिंह कल वो खुद ही गया था उस लड़की से मिलने? गाड़ी हम बाहर जाते हुए देखे थे साहब, लेकिन उसके बाद का हमको नहीं पता। जा सर। अंदर कहां घुसे जा रहे हैं? आप लोग आने की वजह जान सकते हैं? हम एक गाड़ी फॉरेंसिक जांच के लिए भेजनी है। क्यों? जिस लड़की का मर्डर हुआ वो लड़की इस गाड़ी में देखी गई। यह गाड़ी वहां कैसे जा सकती है? केदार सिंह को बुलवाइए, हम सब उगलवा लेंगे। क्या उगलवा लेंगे आप? वो कल रात से घर नहीं लौटे हैं। तो कांड करके भाग गए? दरोगा बाबू हवा में तीर मत छोड़िए, कोई सबूत है तो दिखाइए। सबूत भी मिल जाएंगे, ये गाड़ी हमारे हवाले करो। कैसे आपके हवाले कर दे गाड़ी? कोई कागज पत्री, चिट्ठी पत्री, वारंट लाए? देखिए, सुबह से देख ही तो रहे। चले जाइए आप लोग, इससे पहले कि ऊपर से फोन आए और आप लोग मुसीबत में फंस जाएं। निकलिए। नमस्ते। सर अब एक लड़की गवाही पे मजिस्ट्रेट गाड़ी उठाने का परमिशन तो देगा नहीं, अब ऐसा क्या सुराग ढूंढे कि केदार सिंह हाथ में आए? कुछ भी हो मिश्रा, इन्वेस्टिगेशन रुकनी नहीं चाहिए, कोई ना कोई सबूत तो जुटाना ही होगा इस केदार सिंह के खिलाफ। चलो। भैया वो उसका फोन नहीं लग रहा। दिल्ली में मरने किसके पास गया ये पता नहीं चल पा रहा भैया। फंसवा दिया मैं, फंसवा दिया। बाबूजी दरअसल बोल लड़की, हमें तुमसे कुछ बात करनी है। बाबूजी एक मिनट, ये तुम क्या करने जा रहे थे? बाबूजी से भी कुछ मत कहो, वो बहुत गुस्से में। अनीता से तो हम मिलने जाते थे ना केदार भैया। नहीं हम जानते हैं, पर तुमने उसे मारा तो नहीं ना? और उस लड़की का क्या भरोसा, क्या पता केदार के साथ भी पीपी का चक्कर चला रही हो? अनीता ऐसी लड़की नहीं थी। पुलिस कह रही थी कि उसको आखिरी बार केदार की गाड़ी में देखा गया है। आप फोन ही लगाते रहोगे या उस निकम्मे को ढूंढोगे भी? कोशिश कर रहे हैं। कोशिश नहीं, पकड़ के लाओ उसे यहाँ। इतना ना बिगड़ो, बेटा है हमारा। हाँ बहुत महान काम किए है ना ससुरा, आने दो, चरण धो के पिलाएंगे तुम्हें। यहाँ खड़े अब क्या कर रहे हो? जाओ ढूंढो उसे। अच्छा पुलिस वाले को कुछ दे दवा के रफा दफा करवाओ केस, मैं सब चौपट हो जाएगा, जल्दी कर।
बाऊजी, अभी तक तो आप अपना सारा बिजनेस बड़के भैया को सौंपने वाले थे। अब समझ में आ रहा है कि वो आपका इज्जत ही नहीं धंधा भी चौपट कर सकते हैं। भाभी, कोई केदार भैया से मिलने आया है। क्या बात है? आज कुआ खुद प्यासे की खोज में चला है। हमें केदार से मिलना है, आप प्लीज उन्हें बुला दीजिए, बहुत ही अर्जेंट है। केदार की हर खबर रखने वाली आज खुद केदार को ढूंढ रही है। ऐसे क्या राज है आपकी इस तलाश का? हमें उनसे एक बहुत ही अर्जेंट इंटरव्यू के सिलसिले में मिलना है। तो तुम्हारी ये सिलसिले बड़े भाते हैं केदार को। आपको जो भी बोलना है ना, साफ साफ बोलो। साफ सफाई छोड़ो और केदार से दूर रहो। देखो कहीं हमारा माथा ठनक गया ना, तो पछताने की नौबत भी नहीं मिलेगी तुम्हें। आपको कोई गलत फैमिली हो। अनजान बनने का ढोंग तो करो मत हमारे सामने। ये जो घटिया परफ्यूम लगाई है ना तुमने, ये हम रोज सूंघते अपने पति के शरीर पर। और ये जो तुमने लटका रखा है, ये उसी इंटरव्यू की फीस होगी जो तुम केदार से लेती हो। देखिए बहुत बोल गई आप। लेकिन तुम ना हमारी जबान पकड़ सकती हो और ना ही इस घर की बहू बनने का सपना देख सकती। देखो केदार की बीवी तो हम हैं और उसके बच्चों की माँ भी, तुम क्या बन के रह जाओगे? बस रखे इतना सब जानती हो तो फिर ये भी जानती होगी कि तुम्हारे पति ने तुम्हारी जगह ना जाने किस किस को दे रखी है। और रहा सवाल हमारा, तो नोट कर लो, वो दिन दूर नहीं जब हम इस घर की बहू और तुम केदार की रखेल तक नहीं रहोगी। लेकिन ये ब्रेकिंग न्यूज ना रिले होने से पहले स्क्रैप हो जाएगी। श्वेता शुरू से ही रिचा की आंख का कांटा थी, लेकिन श्वेता को अपने पति केदार की जिंदगी से दूर रख के रिचा पति पत्नी के रिश्ते को कोई दूसरा मौका नहीं देना चाहती थी, बल्कि वो तो खुद पति पत्नी के रिश्ते का गला घोंटकर वीर के साथ वो सब कुछ करना चाहती थी जो केदार अब तक उसके साथ करता आया था। कहीं ना कहीं रिचा को यह भी डर था कि शायद श्वेता इस घर में उसकी जगह ले सकती है, लेकिन उसे इस बात का संतोष था कि केदार पुलिस की नजरों में अनीता मर्डर केस का प्राइम सस्पेक्ट था और अचानक से उसका यूं गायब हो जाना इस शक को और पुख्ता कर रहा था। अनीता की हत्या एक ऐसी योजना थी जिसका सबसे ज्यादा फायदा रिचा को ही होता नजर आ रहा था, लेकिन पुलिस का ध्यान अभी तक इस समीकरण की तरफ गया नहीं था और ना ही अनीता की हत्या के पीछे रचे गए षड्यंत्र का उन्हें कोई आभास था। मृदुला के ड्राइवर बिट्टू की गवाही के आधार पर उन्हें यही लग रहा था कि अनीता की हत्या के पीछे केदार का हाथ है और अब उन्हें केदार की तलाश थी। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि जिसने इस केस में एक नई सनसनी पैदा कर दी। आइए आइए, ये देखिए लाश। साहब यहीं पर थी साहब, इसी जगह पर। देखिए ना खून भी लगा। लाश गायब कहाँ हो गई? साहब हमें क्या पता साहब, वो तो देखकर हम आपको बुलाने चले गए थे। तरह के छन्ना सर, सर 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 ये देखिए आई कार्ड मिला है और इस पर खून भी लगा है। सर ये महेश केदार सिंह के गेस्ट हाउस में नौकर है, ये बता रहा था कि केदार और श्वेता का अफेयर चल रहा है। बता साहब को जो हमको बोला। साहब श्वेता मैडम अक्सर गेस्ट हाउस पे आके रुकती थी। कब से चल रहे हैं सर? यही कोई 2 साल से। जाने की तैयारी हो रही थी, लेकिन चलो चलो छोड़ो मुझे और दूर रहकर बात करो। दूर रहकर नहीं, अब थाने चल के बात हो। अपनी औकात में रहो इंस्पेक्टर।
जानते हो ना हम कौन है? एक नंबर का लड़कीबाज, दारूबाज और अय्याश आदमी है तू। दो दो मर्डर करके फरार है। सर लेके चल इसको। चल छोड़ो मुझे, हम जानते नहीं हो। छोड़ो मुझे श्वेता, ये मैंने नहीं किया। ये हमने कोई अनीता को नहीं मारा और ना ही हमने अपनी श्वेता को मारा है। हम सच बोल रहे हैं इंस्पेक्टर, हमें फंसाने के लिए वो लाश किसने हमारी डिक्की में रखी, क्यों रखी, हमें कोई जानकारी नहीं है। कौन फंसाना चाहता है तुम्हें? कमी है क्या हमारे दुश्मनों की? और हम क्यों मारेंगे श्वेता को? शादी करना चाहते थे उससे। केदार तुम ऑलरेडी शादीशुदा हो, तुम उससे शादी नहीं करना चाहते थे, कोई और ही कांड करना चाहते थे। क्यों मारा उसे बोलो? इंस्पेक्टर कॉलर पकड़ी हम कुछ नहीं बोले, थप्पड़ मारा हम शांत रहे, लेकिन ये झूठे केस में आप हमें फंसा नहीं सकते, फोर्स नहीं कर सकते आप हमें। हमने श्वेता को नहीं मारा, प्यार करते थे उससे, शादी करना चाहते थे। चलो मान लेते नहीं मारा, तो फिर अचानक गायब कहां हो गए थे? हम दिल्ली गए थे अपनी और श्वेता की शादी की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि वो हमारे बच्चे की मां बनने वाली थी। क्या हुआ, अचानक क्यों बुलाया मुझे? केदार, I'm pregnant. क्या? ये तो और भी स्ट्रॉन्ग मोटिव है। मतलब किसी शादीशुदा आदमी की लवर प्रेग्नेंट हो जाए तो वो तो उसकी। आप गलत समझ रहे हैं, हम सच में श्वेता से प्यार करते थे, सच में उससे शादी करना चाहते थे, इसके लिए हम ऋचा को तलाक भी देते, निश्चित देते। 3 दिन से मैं दिल्ली में था, यकीन ना हो तो आप पता कर लीजिए, कर लीजिए पता। अरे का मतलब है बेल नहीं मिल पाई, चुनाव लड़ने जा रहे हो और हमारा कपूत जेल में है, का छवि बनेगी जनता के सामने हमारी? केदार की गाड़ी से श्वेता की लाश मिली, बेल मिलना मुश्किल। तो क्या हमारे पति जेल में ही रहेंगे? वकील साहब आप कुछ भी कीजिए, लेकिन हमारे पति को जेल से निकलवाइए। अच्छा यह है जेल में सड़े ससुरा, अकल ठिकाने आ जाएगी। ऐसा मत कहिए, आखिर वो हमारा बेटा है ना। अरे पैदा करके पछता रहे हम, सोचे थे बिजनेस उसके मथे मड़ के आराम से राजनीति करेंगे, अब लगता है चुनाव लड़ना छोड़ के वापस से बिजनेस संभालना पड़ेगा। सर हमने केदार सिंह की इंफॉर्मेशन क्रॉस चेक की है, वो पिछले 3 दिनों से दिल्ली में ही था और श्वेता से शादी की तैयारी भी कर रहा था। वहां के कई लोगों ने उसके वहां होने की बात कही और मर्डर वाले दिन वो यहां पे नहीं था। सर मिश्रा, अगर केदार ने श्वेता को नहीं मारा तो फिर उसकी गाड़ी में श्वेता की लाश किसने रखी? भैया जी, लोगों को राजनीति आने के लिए घुटने चल जाते हैं और आप नामांकन पत्र वापस लेने की बात कर रहे हैं। तो कहा करें, हमारा बिजनेस कौन संभालेगा? अरे मृदुला बिटिया, अगर आप चाहें तो ये जिम्मेदारी उनको सौंपी जा सकती है, तेज तर्रार है, बिजनेस अच्छे से संभाल लेंगी। चाचा जी, बिजनेस संभालना कोई मामूली बात तो है नहीं, हमें नहीं लगता मृदुला दीदी ये जिम्मेदारी निभा पाएंगी। अगर आप बिजनेस की बागडोर किसी को सौंपना ही चाहते हैं तो हमें लगता है वीर सबसे सही दावेदार है, उनमें जो काबिलियत है वो केदार जी और मृदुला दीदी में नहीं है। नहीं नहीं, वीर नहीं, वैसे भी वो 2 साल के लिए लंदन जा रहा है, पर उन्हें रोका भी तो जा सकता है। बाबूजी अगर अपने बिजनेस मृदुला दीदी को सौंप दिया तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कभी उन्हें स्वीकार नहीं करेंगे, उनके पति ने कंपनी में जो गबन किया था हमें नहीं लगता लोग उसे भूले होंगे। सही कह रही हो बहुरिया, समय की मांग है कि वीर को बिजनेस सौंपा जाए। बाबूजी हम नहीं संभाल पाएंगे इतनी बड़ी जिम्मेदारी, उसके लिए हम हैं ना, गाइड करेंगे हम। बाबूजी इतना आसान नहीं हुआ, जिंदगी में पहली बार तुमसे कुछ मांग रहे हैं, मना मत करो। लेकिन बाबूजी प्लीज वीर मान जाओ। ऋचा तुम अपने आप को बहुत होशियार समझती हो, पति के जरिए राज नहीं कर पाई तो अब देवर का इस्तेमाल कर रही हो। हम अपने आप को होशियार समझते नहीं, हम होशियार हैं। अब हम जो करेंगे ना भाभी माँ, वो तुम समझना तो दूर, सोच भी नहीं पाओगे। ऑल द बेस्ट।
माना कि अनीता की मर्डर वाली रात केदार यहीं था, लेकिन वो अनीता से मिलता था या उसके कोई संबंध थे ऐसा कोई प्रमाण सामने नहीं आया, लेकिन श्वेता से उसके संबंध थे। पर श्वेता के मर्डर वाले दिन वो दिल्ली में था, फिर बिट्टू ने हमसे झूठ क्यों बोला? इस डबल मर्डर केस की कहानी क्या है? अगर ये दो मर्डर्स दो अलग अलग लोगों ने किए हैं तो वो कौन है? अगर दोनों का हत्यारा एक ही है तो वो कौन है? सर हमें तो लगता है कि इसमें एक ही आदमी का हाथ है, ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है सर। हो सकता है कि अटल सिंह की विरोधियों की उसके बेटे को फंसा कर उसके चुनावी अभियान में खड़ा डालने की कोशिश हो। मिश्रा हो ये भी सकता है कि अपराधी कोई और ही हो और उसने जानबूझकर ये वक्त चुना ताकि हमारी शक की सुई राजनीतिक षड्यंत्र की तरफ जाए। ये खेल सिर्फ सत्ता का नहीं है मिश्रा, इसमें कई और सारे पहलू हैं जो अभी तक हमारे सामने नहीं है। हमने वीर को अपना वारिस बनाने का फैसला किया, बस कुछ कागजी कार्रवाई के बाद कल से वीर हमारे सारे बिजनेस की बागडोर संभालेगा। अनीता और श्वेता की हत्या को ढाल बनाकर अटल सिंह की ढाल समझे जाने वाले केदार सिंह को जेल भिजवाना दरअसल अटल सिंह को कमजोर बनाने की एक कोशिश थी। पुलिस को इस षड्यंत्र का अंदाजा तो हो गया था, लेकिन अब तक ना तो वो इस षड्यंत्र को रचने वाले का पता लगा पाई थी और ना ही इस षड्यंत्र के असल मकसद की उन्हें कोई भनक लगी थी। आखिर आगे क्या होने वाला था ये हम जानेंगे कल रात 10:30 इस केस के दूसरे भाग में। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूँ, फिर मुलाकात होगी, तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100 सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।